मछली खाने के फायदे, मछली खाने से क्या क्या फायदा होता है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। मछली खाने के फायदे, जैसे कि हमने पहले ही बताया, मछली में ओमेगा फैटी एसिड, इसके पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि मछली में ओमेगा फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होता है। यह एक प्रकार की वसा है और आपके दिमाग का स्वस्थ यानी इसी वसा पर निर्भर करता है। दिमाग जो है यानी कि मस्तिष्क जो है इसी पर जो है निर्भर करता है। रक्त में ओमेगा थ्री फैटी एसिड का निम्न स्तर स्मृति हानि और संज्ञानात्मक कमजोरी से जुड़ा हुआ है, जो मस्तिष्क की तेजी से उम्र बढ़ने के दो लक्षण हैं। वास्तव में उम्र से संबंधित मस्तिष्क सिकुड़न ओमेगा फैटी एसिड के इन निम्न स्तर से जुड़ी हुई है। हृदय रोग का जो जोखिम कम होता है, हृदय रोग में जो रोग होते हैं उसका भी जोखिम इससे कम होता है। देखिए, ओमेगा फैटी एसिड से हृदय रोग का कम जोखिम भी जुड़ा हुआ है। ऐसा देखा जाता है कि ओमेगा थ्री फैटी एसिड का दैनिक सेवन कोरोनरी हृदय रोग को रोकने और कम करने से जुड़ा हुआ है। ये फैटी एसिड रक्तचाप को कम करने और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने और कोरोनरी फ्लाक को रोकने में सहायता करते हैं। वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर ओमेगा थ्री फैटी एसिड विकास और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, बड़ा वाला जो मछली होता है उसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो है बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आपको सिर्फ बड़ा मछली के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो बड़ी वाली मछली होती है। देखिए, एक ओमेगा थ्री फैटी एसिड और मस्तिष्क और आँखों के विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस कारण से गर्भवती महिलाओं को या स्तनपान करने वाली महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में ओमेगा थ्री फैटी एसिड का सेवन करने की सलाह दी जाती है। हालांकि कुछ मछलियों में मरकरी का स्तर ऊंच होता है, जो मस्तिष्क के विकास की समस्याओं से जुड़ा होता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को केवल कम मरकरी वाले सी फूड जैसे ट्राउट सैल्मन और सार्डिन का सेवन करना चाहिए। ध्यान रखें कि वो प्रति सप्ताह 340 ग्राम से अधिक न सेवन करें। अवसाद की रोकथाम और इलाज करने में मददगार। अवसाद एक प्रचलित मानसिक बीमारी है। कम उत्साह, दुख, कम ऊर्जा और गतिविधियों में उत्साह की कमी इसके लक्षण हो सकते हैं। अवसाद वर्तमान में सबसे बड़े स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, जबकि हृदय रोग या मोटापे की तुलना में इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। अध्ययनों के अनुसार रोजाना मछली का सेवन करने वाले में अवसाद का अनुभव होने की संभावना काफ़ी कम होती है। एक और बीमारी जिसमें मछली और ओमेगा थ्री फैटी एसिड मदद कर सकते हैं वह है द्विध्रुवी विकार। आयोडीन की एक बेहतरीन स्रोत। आयोडीन एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसे शरीर स्वयं निर्मित नहीं कर सकता, मछली में भी प्रचुर मात्रा में होता है। आपका थायराइड आपकी भूख और प्रतिरक्षा प्रणाली जैसे चीज़ों को प्रभावित करता है, इसलिए थायराइड स्वास्थ्य के लिए आयोडीन आवश्यक है। आपको हम बता दें कि जिसको भी घुटने में और पीठ में कमर दर्द होता है, एक्चुअली में होता क्या है कि ओमेगा थ्री फैट जो है ओमेगा थ्री इसमें पाया जाता है मछली में, और जब भी दर्द होता है तो ओमेगा थ्री एक पाउडर करके आता है जो दूध में डालकर पीना होता है दर्द के लिए, बहुत ही कम, सप्ताह में एक बार पिया जाता है। तो उससे अच्छा है कि बड़ा वाला अगर आप मछली खाते हैं तो ओमेगा थ्री फैट आपको जो है इससे मिल जाएगा। जो चीज़ आप पाउडर पीते हैं वो चीज़ इसमें मिलेगा। ऐसे बहुत डॉक्टर मना करते हैं कि आपको मछली नहीं खाना दर्द बढ़ जाता है, लेकिन बड़ा वाला अगर आप खाते हैं तो ओमेगा थ्री आपको मिलता है। और हाँ, होम्योपैथिक दवा चलता है तो उसमें आपको मना कर दिया जाता है तो आप नहीं खाएं, लेकिन अगर आप होम्योपैथिक दवा नहीं खाते हैं, अंग्रेजी दवा खाते हैं, तो आराम से बड़ा वाला मछली खाइए, उसमें आपको ओमेगा थ्री जो है मिलता है, जो कि बहुत ही काम करता है दर्द में।